हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता अग्नोत्री फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, आजकल नवरात्रि वीक चल रहा है, तो आज मैं वही नवरात्रि की एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, साबूदाना की टिक्की। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी ये साबूदाना की टिक्की और हमें इनके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, एक नजर डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे महीन साबूदाना लिया था 150 ग्राम। इसको हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये देखिए इस तरह से ये भीगने के बाद में सॉफ्ट भी हो गया है और फूल गया है। 6 से 7 बड़े आलू लिए थे हमने, जो कि उबाल के फिर कद्दूकस करके हमने रखे हुए हैं। थोड़ी सी हरी धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च। फ्रेंड्स, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, आप जितना तीखा पसंद करते हो, और अगर आप लाल मिर्च भी पसंद करते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा अमचूर पाउडर, सेंधा नमक जिसे हम व्रत वाला नमक भी बोलते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच जीरा पाउडर। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं टिक्की बनाना। सबसे पहले साइड में हम गैस पे हमने ये रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जितनी देर में हम ये टिक्की बना के रेडी करेंगे उतनी देर में ये ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें तल लेंगे। ये देखिए बाउल में हम सबसे पहले ये आलू जो हमने उबले हुए लिए थे, ये हमने सारे आलू इसमें डाल दिए हैं। इसी के साथ में हमने ये जो साबूदाना लिया था ये डाल देंगे। धनिया जो हमने ली हुई थी वो हमने इसमें डाल दी है। हरी मिर्चा, ताकि मैंने बोला है कि आप लाल मिर्च अगर पसंद करते हो तो आप यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच जो हमने धनिया पाउडर लिया था वो मैं डाल दूंगी। जीरा पाउडर, नमक, नमक हमें स्वाद अनुसार ही यूज करना है। अब इसमें ये नमक हम डाल देंगे। नमक हम थोड़ा हाथ का यूज कर लें इसमें, क्योंकि जैसे इसमें थोड़ी सी गुठली रहती है ना, तो हाथ से हम अच्छे से मसल के इसको डाल देंगे ताकि गुठली ना रह जाए। नमक स्वाद अनुसार ही रखें आप। इसके बाद में फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर या खटाई डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद में इसको हम हाथ से मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पूरा रेडी कर लिया है, सारे मसाले और सब साबूदाने सब मैश करके पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे हाथ में ताकि ये चिपके ना। रिफाइंड ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी देखिए इस तरह से हम इसकी टिक्की बनाएंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी बड़ी आप रखना चाहते हैं। बस ध्यान रखना है कि बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत पतली हो। देखिए इस तरह से ये मैंने बनाई है। मैं सारी टिक्की बना बना के रख लूंगी। जब तक ये टिक्की हम बना के रेडी करेंगे, ऑयल भी गर्म हो जाएगा। ये देखिए, जरूरत हो तो आप बीच बीच में ऑयल लगाते रहें थोड़ा सा हाथ में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टिक्की बना ली है और हमारा ऑयल भी उधर गर्म हो गया है जो मैंने डाला हुआ था। अब हम इनको तल लेते हैं उसमें। देखिए ऑयल गर्म है, पहले गैस को हम धीमे करेंगे, फिर एक एक करके ये टिक्की इसमें डालेंगे। हमें मीडियम गैस पे, गैस फुल नहीं रखनी है, मीडियम गैस करके इन टिक्की को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। 2-3 मिनट लगेंगे और ये साबूदाना की टिक्की बनके रेडी हो जाएगी। टिक्की डालने के बाद में हम 1 मिनट के लिए पहले एक साइड में थोड़ा सा सिक जाने देंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे करके हम सारी टिक्की पलट देंगे। इसी तरह से हम हर 1-2 मिनट में इसको थोड़ा सा बीच में पलट के और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे।
ये देखिए दोस्तों, हर एक दो मिनट पे इसको चलाते हुए टिक्की जो है पूरी तरह से रेडी हो गई है। कलर भी आप देख रहे होंगे गोल्डन ब्राउन हो गया है हल्का। गैस ऑफ करेंगे, पहले हम इसे टिश्यू पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो इसका निकल जाए। देखिए एक एक करके सारी हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सर्व कर लिया है। हमारी साबूदाना की टिक्की रेडी है और हमने यहाँ पे इसको हरी धनिया की चटनी के साथ में सर्व किया हुआ है, जो कि स्पेशली व्रत वाला नमक डाल के मैंने बनाई हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।